नमस्कार, मैं सुवर्णा। नए टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को टीआरपी मामले की सुनवाई के दौरान मामले में प्रवर्तन निदेशालय की उपस्थिति पर सीनियर एडवोकेट हरीश सालवे और कपिल सिब्बल की नाटकीय बहस देखने को मिली। अदालत निजी समाचार चैनलों द्वारा टीआरपी रेटिंग्स में धांधली से संबंधित मामले में मुंबई पुलिस की जांच को चुनौती देने वाली एआरजी आउटलेयर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो रिपब्लिक टीवी चैनल चलाती है, इस द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता एआरजी आउटलेयर ने याचिका में एक अतिरिक्त प्रतिवादी के रूप में प्रवर्तन निदेशालय को पक्षकार के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसमें टीआरपी में धांधली की शिकायत दर्ज की है। न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति मनीष पिताले की एक पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी, जब सिब्बल ने मामले की जांच करने के लिए मुंबई पुलिस के अधिकार क्षेत्र की कमी के बारे में सिब्बल की दलीलों का जवाब देने के लिए अगले सोमवार तक का समय मांगा। हालांकि पीठ ने शुरुआत में 22 जनवरी को मामले को सूचीबद्ध करने का सुझाव दिया, लेकिन सालवे ने कहा कि उन्हें उस दिन कुछ मुश्किलें हैं। तदनुसार ये मामला वर्चुअल सुनवाई के लिए 29 जनवरी को सूचीबद्ध किया गया। बेंच केवल शुक्रवार को वर्चुअल सुनवाई आयोजित कर रही है। शुक्रवार को सालवे ने ये कहकर सबमिशन शुरू किया कि मुंबई पुलिस का मामला अर्नब गोस्वामी के साथ समझौता करने के लिए राजनीति से प्रेरित था। जब एडमिशन सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने ईडी के लिए सबमिशन करने की मांग की, तो सिब्बल ने सख्ती से आपत्ति जताई। सिब्बल ने प्रस्तुत किया, मुझे इस मामले में ईडी के सामने आने पर कड़ी आपत्ति है। आपका उस्ता अधिक स्पष्ट क्यों है? जाहिर है आप उसका समर्थन करना चाहते हैं। सिब्बल ने सालवे को जवाब दिया, मुझे आपकी बेईमानी और ईडी की ईमानदारी के बारे में पता है। एआरजी आउटलेयर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश सालवे ने प्रस्तुत किया कि अगर मामले में ईडी के निष्कर्ष मुंबई पुलिस से अलग है, तो इसका मतलब है कि पुलिस रिपब्लिक टीवी और उसके मुख्य सहयोगी अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दुर्भावना के साथ काम कर रही है। मामले में ईडी की उपस्थिति पर मुंबई पुलिस की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कड़ी आपत्ति जताई। सिब्बल ने सालवे को जवाब दिया, मैंने कहा आप बेईमान हैं। सालवे की प्रतिक्रिया आई, ये एक बहुत गंभीर मामला है। एक राज्य एक केंद्रीय एजेंसी को बेईमान कह रहा है। एएसजी अनिल सिंह ने प्रस्तुत किया कि ईडी ने एआरजी आउटलेयर द्वारा दायर की गई अर्जी पर हलफनामा दायर किया है और कहा कि एक स्टेटस रिपोर्ट सील कवर में दर्ज की जा सकती है। सिब्बल ने ईडी के स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले की जांच के लिए मुंबई पुलिस का अधिकार क्षेत्र है। दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह की एकलपीठ ने शुक्रवार को व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया। इस संबंध में अदालत के मास्टर को भेजे गए ईमेल पर कड़ी आपत्ति दर्ज की गई। एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि इस मामले को सुनने के लिए कोई बेहतर बेंच नहीं है। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने व्हाट्सएप के लिए पेश होते हुए मामले को एकल न्यायाधीश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए कहा। मामले को जनहित याचिका के रूप में मानने का निर्देश देते हुए न्यायमूर्ति सिंह ने इसे सोमवार को सुनवाई के लिए एक अलग पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए कहा। त्वरित संदेश सेवा ऐप व्हाट्सएप द्वारा पेश की गई नई प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें इसे नागरिकों की निजता के अधिकार का उल्लंघन और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताया गया है। याचिका अधिवक्ता चैतन्य रोहिला द्वारा दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि अपडेट नीति कंपनी को वास्तव में व्यक्ति की ऑनलाइन गतिविधि में लगभग 360 डिग्री प्रोफाइल देती है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सीईएसटीएटी सेस टैग के एक फैसले पर रोक लगा दी, जिसने शॉपिंग मॉल को संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई पार्किंग सुविधा के संचालन पर प्रबंधन की सेवा, रखरखाव या अचल संपत्तियों की मरम्मत के तहत सेवा कर लगाने की पुष्टि की थी। अपीलकर्ता मेट्रोपॉलिटन इवेंट मैनेजमेंट, पहले एमजीएफ इवेंट मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता था, इसने ट्रिब्यूनल के आदेश को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी
कि आगंतुकों को पार्किंग सेवाएं प्रदान करते समय छूट है। राजस्व अप्रत्यक्ष रूप से इसे एक सिर के नीचे लाकर छूट सेवा कर की कोशिश कर रहा है, जो बिल्कुल भी लागू नहीं है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।